नमो नमः। आज दुनिया को ज़रूरत है हमारे सनातन धर्म की, और सनातन संस्कार जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। विश्व को भाईचारा सिखाने में, विश्व को अच्छी नॉलेज देने के लिए सनातन धर्म उत्तमोत्तम माना गया है। पहले दुनिया भर के लोग हमारे देश में विद्या के लिए आते थे। हमारे देश का जो देश की जो संस्कृति है, विद्या की संस्कृति है, तो हम चाहते थे कि हमारे जो आज के ज़माने के जो लोग हैं वो बिज़ी रहते हैं, टेंस्ड रहते हैं, अपना अपना व्यवहार बिजनेस उनके लिए बिज़ी रहते हैं, तो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं जाता। पहले कुटुंब व्यवस्था थी, फैमिली सिस्टम थी, तो सब हमारे जो दादी दादा सब देखते थे बच्चों को, उनसे उनके माध्यम से संस्कार मिलते थे। आज वो भी नहीं रहा है, तो इसी एक धोरण से हमने यहाँ स्कूल शुरू किया, इंटरनेशनल सद्गुरु गुरुकुलम। और हम चाहते हैं कि आज लोग ऐसे संस्कार ले और संस्कार से युक्त होकर अपना परिवार जो है वो चलाए। तो इसी काम के लिए संस्कृत या वेद या उपनिषद या हमारी जो महाभारत, रामायण आदि जो हमारे ग्रंथों में जो संस्कार हैं, हमारे जो कुटुंब व्यवस्था है उसके ऊपर ये हमारी जो स्कूल हैं वो चलते हैं। तो यहाँ वेद पाठशाला भी है, यहाँ एकेडमिक स्कूल्स भी हैं, यहाँ कॉलेज भी हैं। सबके लिए हमें चाहिए था कि इन सब आजू बाजू में जो रहने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ लाने के लिए एक बस की व्यवस्था हमारे MRF के तरफ से हमें मिली है। इसके लिए हम MRF का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे श्री क्षेत्र तपोभूमि और श्री दत्त पद्मनाभ पीठ का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहेगा। और महत्वपूर्ण बात है कि उनके बिजनेस में भी उनको बहुत अच्छी तरक्की भगवान दत्तात्रेय दे दे। ये सब करने के लिए हम गए थे हमारे श्रीपाद भाव के पास। उन्होंने इतने कम समय में जल्दी जल्दी करके प्रयास किए और हमें ये बस जो है वो इतने जल्दी मिलेगी हमें भी आशा नहीं थी, फिर लेकिन उनके प्रयत्न से ये बस तपोभूमि को मिली है। आज हम भी उनके प्रति बहुत बहुत सम्मान रखते हैं। उनका ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी जी महाराज जी से आज तक जो जब वे यहाँ पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स तो उनके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि वो समाज के पुरुष हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें किसी का भी आज तक हमने देखा है कि कोई विरोध उनके लिए नहीं है, कोई एकदम समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, कोई निजी स्वार्थ नहीं, कोई उनके प्रति कोई भ्रष्टाचार नहीं। वैसे हमारे गोवा के लिए एक अच्छे और सम्माननीय ऐसे पॉलिटिशियन मिले हैं जिसका आदर्श कई लोग ले सकते हैं जो आजकल पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं। तो हमारे श्रीपाद भाव के प्रयास से आज हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो टाइम पर स्कूल आएंगे और इस बस के माध्यम से यहाँ वहाँ जितने भी लोग हैं उनको हम ये सुविधा दे सकेंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ स्कूल में आए और पढ़ाई में ध्यान दें। और पेरेंट्स जो हैं उनके लिए भी सुविधा रहेगी कि अपने जो गरीब बच्चे हैं उनको इतना सारा आफ्टर कोरोना बहुत मगजमारी बन रही है कि कैसे ये सब आर्थिक ताण जो है, तनाव जो है, वो इससे दूर हो जाए। ये बस ये पेरेंट्स के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। हम आज के इस ये जो दाता यहाँ हमारा उपस्थित है तो उनको हम कहते हैं कि आप हमारे स्कूल के अभी गेस्ट नहीं हैं, हमारे स्कूल के परिवार के सदस्य बने हैं। तो ऐसे ही ये स्कूल आपका है, आप जैसे कैसे बच्चों को ऊपर आना चाहते हैं, जैसे जैसे तरक्की होगी आपके सामने हम करेंगे। और ऐसे ही ये स्कूल जो है संस्कार सहितम विद्या, संस्कार के साथ हमें विद्या की आवश्यकता है। हमें अपनी विद्या सीखनी है, हमें अपने संस्कार सीखने हैं, हमें अपने भारत को बड़ा करना है, अपने भारत की संस्कृति को बड़ा करना है। इसलिए आप सबका सहकार्य मिला, इसलिए तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।